सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, कहने को तो मुझे अपने इंट्रो में अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आपने सब अभी देख लिया होगा। जो पूरा मंजरनामा है वो इससे छोटी से फुटेज के अंदर हमने दिखाया। खान साहब एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँचे, जब से हुकूमत संभाली कराची का ये चौथा दौरा था खान साहब का, और चौथे दौरे के अंदर क्या उन्होंने कराची के लिए कुछ बेहतर किया? इस हवाले से आवाम तो उम्मीद लगाए बैठे थे, शायद कुछ कमी आज इस दौरे में आवाम को कम नज़र आई है, और देखा जाए तो खान साहब ने कुछ चीज़ें अच्छी की हैं और कुछ चीज़ों में वो उस बात को क्लियर नहीं कर सके जो कराची के लिए करनी चाहिए थी। 162 अरब रुपये जो पहले ऐलान किया गया था, उस हवाले से कोई अभी तक बात सामने नहीं आई, मगर अब कुछ मज़ीद जो कराची के लिए प्रोजेक्ट्स हैं उस पर भी बात की गई। खुसरो बख्तियार साहब ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कराची के लिए कुछ मंसूबे हमने रखे हैं और उस पर मज़ीद हम इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, उसके लिए फ़ंड्स होंगे और बेहतर किया जाएगा कराची को, जो हर दफ़ा की तरह रिवायती जुमले होते हैं। खान साहब फिर हब गए, वहाँ पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया था, वहाँ उन्होंने खिताब भी किया, उन्होंने कहा कि मेरे लिए और पाकिस्तान के लिए खुशी की बात है कि जिस तरह से सीपैक के अंदर और उसके अंडर जो एक कोलिशन के तौर पे इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जा रहा है वो बहुत अच्छा है और सीपैक के लिए मज़ीद बेहतर होगा, पाकिस्तान की मईशत के लिए मज़ीद बेहतर होगा, उम्मीद जाहिर की जा रही है, मगर वाज़ह तौर पे फैक्ट्स जो हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं। इसी तरह सिंध हुकूमत ने एक मुहिम शुरू की थी, सफाई मुहिम, आज उसका आखिरी दिन है, 21 सितंबर। कहा गया था कि 30 दिन के अंदर हम तकरीबन कराची से 70% कचरा उठा देंगे। बहुत बड़ी तादाद बजट की रखी, डंपर्स रखे, वर्कर्स रखे, मगर लागत उतनी ही खर्च हुई, वर्कर्स भी उतने लगे, मशीनरी भी उतनी लगी, मगर जो कराची से कचरा है वो सिर्फ 25% ही उठ सका। सिंध इसमें कहाँ अपने फेल ढूंढती हुई दिखाई देगी और किसके ऊपर अब इल्ज़ाम तराशी होगी? एक तरफ सीएम साहब ने कहा था, हमने मुराद अली शाह जो हैं उन्होंने कहा था, हमने अली जैदी को कहा कि आए हमारे साथ कराची का विज़िट करें, किस बेस के ऊपर उन्होंने कहा था, क्या वजूहत थी, कराची क्या पूरी तरह से साफ़ हो चुका है, इस पर ही बात करेंगे। खान साहब का सबसे पहले दौरा, जिस तरह से उन्होंने आज कराची का दौरा किया, क्या कराची वालों के लिए और कराची की आवाम के लिए वो कारगर साबित हुआ, इसी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट का तारुफ करा दें, सबसे पहले कादिर मंदुखेल साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, खुश आमदीद कहते हैं, उन्हीं के साथ अशीफ फरमा हैं, मोहम्मद अख्तर अनाई साहब सीनियर तजियाकार हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं, उन्हीं के साथ लैला परवीन साहबा तशरीफ फरमा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, खुश आमदीद कहते हैं आपको भी। थैंक यू। सबसे पहले कादिर साहब आपकी तरफ आएंगे, सिंध हुकूमत आपकी 11 साल हो गए आपको, तकरीबन 30 रोज़ की सफाई मुहिम, 70% कचरा उठाने का दावा किया, और दूसरी जानब खान साहब पहुँचे, उन्होंने भी कराची को देखा, विज़िट करा, मुख्तलिफ जगह गए, उन्होंने कुछ जगह पर बरहमी का इजहार किया। सबसे पहले तो खान साहब के दौरे को कैसे देख रहे हैं, कराची के लिए कितना मुफीद रहा ये दौरा? बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि खान साहब ने बरहमी का मुजाहरा किया, तो वो सिंध के वज़ीर आज़म है कि नहीं है, पहले ये पता करूँ। वज़ीर आज़म तो पाकिस्तान, अगर वो सिंध का वज़ीर आज़म है तो 162 अरब को जो वादा किया है उसमें से कुछ टका दिया है, उसको भी छोड़िए जो हमारा अपना आइनी हक है, NFC अवार्ड कहते हैं, 200 अरब यानी 2 खरब, सीधे सर 2 खरब हमारे ड्यू है अभी वफाकी हुकूमत, वो नहीं दिया, जैसे तरक्याती काम ना होने के बराबर है। तो मैं तो ये सोच रहा था कि कराची वालों की तरह, क्योंकि मैं भी कराची का ही रहने वाला हूँ, तो मैं तो खुश हो गया कि आज खान साहब जाते जाते 2-4 खरब रुपये के प्रोजेक्ट अनाउंस करेंगे, क्योंकि अगले हफ्ते तो वैसे ही इनका ये हुकूमत की आखिरी दिन है, तो मैंने कहा चलो ऐलान करने में कोई अर्ज नहीं, ऐलान कर देंगे, किसने फिर करना है, वो भी मायूसी होगी, कुछ भी नहीं किया है, मतलब तो समझ भी नहीं आया कि ये दौरा किस चीज़ का था और क्या ये बरहमी किया था। तो ज़रूर एज ए वज़ीर आज़म उसको बरहमी दिखाना चाहिए, उसका हक भी है, क्योंकि वो रियासत पाकिस्तान के सरबरा है, लेकिन उनके साथ उनकी कुछ आइनी जिम्मेदारी भी है, और ये जो सिंध में इनके बच्चे हैं वो भी इनकी है, सिंध भी पाकिस्तान में आता है,
تو کم از کم یہاں کراچی والوں کے لیے کچھ اعلانات تو کر لیتے. پہلے علی زیدی صاحب آئے تو پھر ایم کیو والے اور میرفا وسیم اختر صاحب بھی خوش ہو گئے کہ چلو کچھ نہ کچھ پیسے آئیں گے. ہم نے بھی یہ سوچا کہ ٹھیک ہے اسی مد میں کچھ آئے گی, لیکن اس نے وہی شوکت خانم کی طرح زکوٰۃ صدقے پہ لوگوں کو لگا لی کہ پیسے دو. تو بھائی پہلے لوگوں کو اچھی خاصے آپ لوٹ چکے ہو یہ شوکت خانم ان کے نام پہ, اب مزید لوگوں کو چلو وہ معاملہ ختم ہو گیا. پھر آپ نے ایک بات کی ہے کہ کراچی کا کچرا جو ہے نا وہ 25% لوٹ چکا ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم کچرے پہ بات کریں گے, ہم اس پہ بات کریں گے, خان صاحب کے دورے پہ ہی بات کریں. ایک طرف خان صاحب کراچی پہنچے اور سب گئے ان کے ساتھ, جی ڈی اے والوں سے ملاقات کی, ایم کیو والوں سے ملاقات کی, سب لوگ وہاں موجود تھے, صرف وزیر اعلیٰ صاحب پیپلز پارٹی کا کوئی نمائندہ وہاں موجود نہیں تھا. گورنر سندھ نے کہا کہ کسی کو انوائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آ سکتے تھے, مل سکتے تھے. آپ مجھے ایک بار بتاؤ کہ ایک چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کا وزیر اعلیٰ جس کا نام ہے, گورنر تو وفاق کا نمائندہ ہوتے, اس کی کوئی اختیارات تو ہے ہی نہیں ہے, تو کیا یہ ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ ان کو بھی انوائٹ کر لیتے یا یہ خود ایئرپورٹ بن جاتے, یہ خود گورنر عزبی گوش ہے, کیا یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے؟ تو یہ نہیں ہوتا ہے, اس کو آن بورڈ لینا چاہیے وزیر اعلیٰ کو بھی, اور میرے خیال میں اسی وجہ سے وزیر اعلیٰ کو نہیں لیا کہ وزیر اعلیٰ مطالبات کریں گے جیسے میں کہہ رہا ہوں 200 ارب آیا یا میں 162 ارب کو یاد دلاؤں گا. تو شاید وزٹ کے لیے وزیر اعظم پہنچتے ہیں تو کیا وہاں کے وزیر اعلیٰ کو آن بورڈ لینے کی ضرورت, اس پہ بات کروں گا. بالکل رائن صاحب آپ کی طرف آؤں گا میں, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ خان صاحب کے دورہ کراچی کو؟ چوتھا دورہ اب تک ہوا ہے, اس سے پہلے بھی آئے, کچھ بجٹ کے اوپر بات کی تھی, بہتری کے لیے بات کی, اس دفعہ آپ نے کیا دیکھا, کچھ نیا نظر آیا دورے میں؟ کچھ نیا تو نہیں تھا بیسکلی, جبکہ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ سندھ کی اور خاص طور پہ کراچی کی سے کی عوام کی بہت ساری امیدیں ہیں اور بشمول اس کے کہ سندھ گورنمنٹ کی بھی کافی امیدیں ہیں. مگر وہی بات ہے کہ پہلی بات تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ جو میری نالج کے مطابق جو سی ایم ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر کو آٹومیٹکلی پروٹوکول دیتا ہے, اس میں ان کو اسپیشل انویٹیشن ریکوائرڈ نہیں ہوتا ہے. اگر پریزیڈنٹ آتا ہے تو پھر گورنر اس کو دیتا ہے, ٹھیک ہے, اس گورنر کی رسپانسیبلٹی ہوتی ہے. یہ پولیٹیکل گورنمنٹ جب ہوتی ہے تو جو صوبائی چیف ہوتے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ خود بخود انٹرسٹ لیں. آئی ڈونٹ نو کہ اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت عملی ہے, اور میرا خیال ہے اگر ہے تو ٹھیک ہے, مگر پرائم منسٹر صاحب بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ شاید کچھ دینے آئے ہیں, کیونکہ وہ بھی اس وقت جو پریشر ڈیولپ ہوا ہے جو ابھی مولانا صاحب کا جو باقی سیاسی صورتحال ہے ملک کی اس حساب سے وہ انڈر پریشر نظر آئے, ٹھیک ہے, جہاں تک سی پیک سے ہوتے ہوئے آئے وہ ایک الگ داستان ہے. بہرحال یہ ہے کہ کراچی کو اور سندھ کو کچھ دے کے نہ جا سکے, نہ دیا انہوں نے, جو امیدیں ہمیں وابستہ تھی وہ پوری نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, جو امیدیں وابستہ تھیں کراچی کے لیے جو ہونا چاہیے تھا وہ ہو نہیں سکا. للا پروین صاحبہ, کیا واقعی خان صاحب آئے, تقریب کا انعقاد ہوا, وہاں پر گئے, خطاب کیا, ہیپکو کے کچھ جو دستخط کیے گئے معاہدے پہ اس پہ بات کی گئی, کراچی کے لیے کچھ دکھائی نہیں دیا, کیا لگ رہا ہے کچھ ایسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ کناب دو یہ کنستعین. فرسٹ آف آل خان صاحب کا جو دورہ تھا کراچی کا وہ کراچی کے مسائل کے حوالے سے تھا, نہ کہ ان لوگوں کے لیے جو کراچی کے مسائل کا سبب بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں اس سے کنسرن نہیں تھا. یہ جس طرح اختر آرائیں صاحب نے بات کی ہے کہ جو سی ایم ہے, جب آپ فار ایگزامپل یہ آپ کا گھر ہے یا آپ کا اسٹوڈیو ہے, آپ یہاں کے ہوسٹ ہیں تو آپ کا کام ہے. انہوں نے تو ڈیفینڈ کیا ہے نا آپ کو کہ اگر وزیر اعظم آتا ہے تو وزیر اعلیٰ اس کو پروٹوکول دیتا ہے, صحیح کر رہا ہے. میں ان کی بات کو کہہ رہی ہوں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کام کس کا ہے. آپ اگر سندھ میں آ رہا ہے وزیر اعظم پاکستان وفاق کا تو آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو پروٹوکول دو, آپ نہ کہ ان سے انویٹیشن مانگ رہے ہو, تو یہ تو الٹا کام ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پہلے بھی ان کو بہت سارے پروگرامس میں بلایا گیا, یہ لوگ نہیں جاتے. پیپلز پارٹی والوں کا صرف ایک ہی نعرہ ہے جو بندو خیل صاحب کی زبان سے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اتنے ارب دیں گے, ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اتنا فنڈ دیں گے, ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اتنے پیسے دیں گے اور ٹکا نہیں دیا. یہ کام ہے پیپلز پارٹی والوں کا. تو ہم خان صاحب اس کے لیے نہیں آئے, پہلے بھی بہت سارے فنڈ ارب خرب سب غرق ہو چکے ہیں, اب مزید ہم غرق نہیں کریں گے انشاءاللہ. وفاق اب اس پیرائے پہ کام نہیں کرے گا جو ماضی میں ہوتا رہا ہے, اور نہ ہی ہم ان لوگوں کو دوبارہ موقع دیں گے کہ وہ عوام کو یا عوام کے پیسے کو لوٹ کھسوٹ کریں. ابھی ہم سلولی لیکن بڑا ایک پراپر وے میں ہم کام کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. کراچی کو کیا ملا ہے, کراچی میں کیا وجوہات کیا ہے؟ خان صاحب اگر کچھ نہیں دے سکے تو کیوں نہیں دیا؟ کسی نے ان کو روکا کچھ دینے سے, کراچی کو کچھ دینے سے کچھ روکا؟ اسکیم کراچی میں آن ہو چکی ہے, ٹھیک ہے جی, نوجوانوں کے روزگار کے حوالے سے, قرضوں کے حوالے سے وہ اسکیم بھی ہو چکی ہے سٹارٹ.
फॉर्म भी फिलअप हो रहे हैं तो कराची को क्यों नहीं मिल रहा, पूरा मिल रहा है, सिंध को भी मिलेगा। 162 अरब रुपए में से कुछ दिया कादर मंदोखेल साहब ने, जिस तरह का कुछ भी नहीं मिला हमें। बोली कि सिंध गवर्नमेंट को जब तक के कोई फंड इस तरह रिलीज नहीं किया जाएगा। अब तो कर सकते थे ना, जिस तरह से क्लीन कराची मुहिम उन्होंने शुरू की, काफी बेहतर कर दिया कराची को, अब तो दे सकते थे। कराची को बेहतर कर दिया, फैक्ट है सामने निकले, फैक्ट कुछ भी निकला। 25% कराची से कचरा उठाया 30 दिन के अंदर, अगर उठाया है, मेहनत तो की है, इस पेस को तो दे सकते थे। आपको पता पीटीआई पहले काम कर चुकी काफी, ये नालों की जो बात करते हैं, बड़े बड़े जो नहरों खयाम हो, ये फलां फलां जगह हो, गुजर नाला हो, ये किसने, अलीजादी साहब गए थे, हम लोगों ने करवाई, अलीजादी साहब गए थे मुराद अली शाह के साथ विजिट करने कराची का, बिल्कुल गए थे। क्या रिजल्ट दिखा उन्होंने, अभी की बात कर रहे हैं आप? अभी की बात नहीं, अभी तो कोई रिजल्ट, अभी तो हमें एतराजात हैं इस बात पे, कल हम इसको फैक्ट्स को सामने लेके आएंगे। पीटीआई ने कहा है कि ये जो जो इन्होंने एक ड्रामा किया है। अच्छा एक बात बताएं मुझे, अगर ये सिंध गवर्नमेंट कर सकती है, कराची को साफ कर सकती थी, तो इन्होंने पहले क्यों नहीं किया? रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी थी, इनके पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इनके अंडर थी। खान साहब दौरे कराची पे पहुंचे, कोई उनके पास कोई रिजल्ट थे? 11 साल में सफाई नहीं की है, उनके पास कुछ रिजल्ट थे कराची के कि हम यहां कराची जा रहे हैं, वहां ये बेहतरी हुई है, हम इतना वहां दे सकते हैं या वहां पे ये प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं? हर चीज उनके सामने है जो इन्होंने अपने इत्तेहादियों को बुलाया है, उनसे भी डिस्कस किया है। खान साहब का ये दौरा आवाम के लिए था, आवाम के मसाइल सुनने के लिए था, किसी की करप्शन के लिए पैसा देने के लिए नहीं था। क्लियर कट इज ठीक है। खुर्रम शेख जमान ने कहा है कि वजीर आला साहब से मिलना ही नहीं चाहते क्योंकि वो नैबजदा है, वजीर आजम साहब मिलना ही नहीं चाहते क्योंकि वो नैबजदा है। ये खुर्रम शेख जमान ने बात की है, मैं भी जाहिर सी बात है, ये भी एक फैक्ट है कि अभी उनके केसेस से वो बरी नहीं हुए, लेकिन बहरहाल ये बात नहीं, बात ये भी है कि ये खुद भी नहीं जाते, इनको बहुत सारे प्रोग्राम से बुलाया भी गया तो ये लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, ये सिर्फ ये कहते हैं कि जहां हमें पैसा देना हो वहां हमें बुला लें, अदरवाइज हम कई शरीक नहीं। और दूसरी बात, मैं टेलीफोन लाइन पे हमारे एक मेहमान ने हमें ज्वाइन किया, उन पे बात कर लेते हैं। अली खुर्शीदी साहब हैं, एमपीए एमक्यूएम से हैं, आज एमक्यूएम की मुलाकात हुई खान साहब से, क्या बातचीत रही, इस पर बात कर लेते हैं। अली खुर्शीदी साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के, क्या वाकई कुछ बेहतर हुआ कराची के लिए आज की इस मीटिंग के अंदर जो खान साहब से आज हुई, और आपने कुछ मुतालबात रखे थे अपने असीर रहनुमा जो आपके जो कारकुरान हैं गिरफ्तार हुए हुए हैं उनको रिहा करना, दफादर खोलना, कुछ हो सका बेहतर? देखें सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। और पहली बात ये कि जो MOU साइन हुआ है एमक्यूएम पाकिस्तान और पीटीआई के दरमियान, वो जो पॉइंट्स थे वही टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी रहे हमारे, जिसमें 80 साथियों की जो है वो बाजियाबी की बात है कि जिनके ऊपर फॉल्स चार्जेस लगा के FIR डाल दी गई थी। इसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट पैकेज की बात की है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी की बात की है, तो वो तमाम बातें जिनको हमने ऑलरेडी पब्लिक किया हुआ है सन 2018 से, उन्हीं को एजेंडे में रखा हुआ था, कोई नई बात नहीं की गई है। अर्बन डेवलपमेंट पे ज्यादा एम्फेसाइज था हमारा, कराची की डेवलपमेंट को लेकर सभी का कंसर्न है, एमक्यूएम मेजर स्टेक होल्डर है, इसी तरह पीटीआई जो है उन्होंने भी इस दफा इलेक्शन में जो है यहाँ से सीटें ली हैं, तो हमारा कंसर्न ये था कि अर्बन डेवलपमेंट पे बात ज्यादा हमने फोकस रखा है। इसके अलावा हैदराबाद यूनिवर्सिटी पे भी बात की और उसपे द गुड थिंग इज दिस के जितने भी हर्डल्स थी, टेक्निकल हर्डल्स थी, वो खत्म हो गई है। 80 acres जो है वो ऑलरेडी है उनके पास, उसपे प्राइम मिनिस्टर कहा है कि खान साहब कराची में कुछ फंड देने नहीं आए थे, उनका कोई ऐसा मूड नहीं था, वो आए थे दौरे पे कराची के लिए, आपने अपने खदशात सामने रखे, कुछ दिया खान साहब ने, या मुझे समझ में नहीं आया कि उनका दौरा कराची था क्यों? अच्छा मुझे एक एक चीज ये समझ में नहीं आ रही कि देखिए हमारे यहाँ पे, मैं अगर स्पेसिफिकली अपने हल्के इंतखाब और शहर कराची की मैं बात करूँ जो कि रेवेन्यू इंजन ऑफ पाकिस्तान की है, उसमें जो बुनियादी मसाइल है हमारे वो कोई क्या रॉकेट साइंस है, वो तमाम मसाइल परटेन करते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, ठीक है ना। अगर यहाँ पे सीवरेज का निजाम खराब है, यहाँ कचरे का निजाम ठीक नहीं है, यहाँ लोगों को पानी नहीं मयसर है, यहाँ हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं है, यहाँ एजुकेशन ठीक नहीं जा रही, तो ये तमाम चीजें पर्टेन करती हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट से। हो रहा क्या है कि पिछले 11 सालों से अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी की मुतासिब करप बदनवान हुकूमत जो है, अली खुर्शीदी साहब जिस तरह से भी आपने कहा प्रोविजनल गवर्नमेंट, खान साहब ने कहा कराची का जो मसला है वो सूबाई हुकूमत ही सही करेगी, आपका साथ में इत्तेहादी होना किस पैराए में देखे जाएगा, अपने ही मुतालबात मानने के लिए आप इत्तेहादी के तौर पे सामने आए, जिस तरह से खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने आज कहा था कि इन्हीं मुतालबात के ऊपर हम हुकूमत में आए थे इत्तेहादी बन के। देखें ना यही बात है ना, देखें कुछ चीजें जो है वो लाजमी सी बात है, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, बट नहीं कर रही ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो कुछ भी नहीं कर रही, इसीलिए हमने जो है वो वफाक की तरफ देखा, मैग्नानिमिटी शो की गई पीटीआई और एमक्यूएम दोनों की तरफ से, और हमने एक MOU साइन किया और उसमें अर्बन डेवलपमेंट को खास फोकस रखा गया है कि जिसमें कराची हो, हैदराबाद हो, मीरपुर खास हो, सखर है, नवाबशाह है, ये जो अर्बन सेंटर्स ऑफ सिंध है उसको फोकस रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर पीपल्स पार्टी की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो काम नहीं कर रही है, यहाँ से
बिलियंस ऑफ रुपीज जो है वो प्रोविंशियल एक्सचेकर में, मतलब अगर मैं ठीक है आपकी जानिब से विफाक की जानिब से कराची में क्या डेवलपमेंट हुई, आपने क्या डेवलपमेंट करवाई विफाक की जानिब से कराची में? देखिए वफाक की जानिब से सीन ऐसा है कि यहाँ पर जितने भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट थे उन पे हॉल्ट नहीं हुआ है, उसके तमाम पैसे जो है वो रिलीज किए गए हैं जो कि KITCL के थ्रू हो रहे थे। पहली बात ये होता ये है कि यहाँ पे कुछ बड़े प्रोजेक्ट जो है जैसी हुकूमतें जाती हैं और उसको जो है वो शेल्फ कर दिया जाता है, तो वो सूरत हाल यहाँ नहीं रही है। यहाँ अगर हम मंगोपीर रोड की बात करें जो कि एक बड़ा मैसिव प्रोजेक्ट है जिसमें पानी का काम भी मौजूद है साथ साथ, इसके अलावा यहाँ पे ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट है उस पर काम चल रहा है और मोस्ट प्रॉब्ली बाई एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर और उसके बीच में शायद जो है वो हम इनॉग्रेशन करने के काबिल हो जाएंगे। इसके अलावा 3 फ्लाईओवर्स भी हैं उसी के पैरेलल नॉर्थ नाजमाबाद में, तो ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट थे जो कि करने चाहिए थे। ठीक है करने चाहिए थे अली खुर्शीद साहब, करना चाहिए था, करना चाहिए था। कादर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। कादर साहब इस तरह से अली खुर्शीद साहब ने कहा कि सिंध हुकूमत की बैड गवर्नेंस जिसकी वजह से काम नहीं हो सका, और दूसरी जाने पर मेयर साहब कह रहे हैं कि हम सिंध हुकूमत के साथ हैं, जो दीगर डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत के साथ काम कर रहे हैं। एक तरफ हुकूमत के साथ की बात हो रही है, दूसरी जाने पर इख्तलाफ रहा है, क्या चल रहा है ये इनका कोई पता नहीं चल रहा है। ये अभी हो सकता है 24 घंटे बाद पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाए, PTI से नाराज़ हो जाए, ये तो देखते हैं जहाँ इकतदार मिल जाए वहीं। और ये खुर्शीद साहब जो फरमा रहे हैं 11 साल में पौने 5 साल तो आप हमारे साथ इत्यादि थे, और मैं इत्यादि के पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 14 साल गवर्नर रहे, 28-30 साल मार्शलाओं जमहूरी सब के साथ हुकूमत की है। मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ, आप कराची के लोगों को आपने चंगची रक्षा पकड़ा है, आपने टारगेट किलर बनाए, एक काम तो बताओ जो आपने महाजर आवाम के लिए अर्बन इसके लिए किया है, आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया। और आपके अखबार का हेडलाइन है करोड़ों रुपये DMC सेंट्रल का गबन, और इसी तरह करोड़ रुपये मेरे डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट में गबन, ठीक है वो एक प्रोजेक्ट तो बताए ना, पीपल्स पार्टी के साथ भी थे ना वो भाई, मेरी बात सुनो, सिवाय उन्होंने लिसानियत फैलाना, सिवाय उन्होंने पठानों को सरकलम करना, सिंधियों को बलोचों को जो बच गए माजर उन्हीं को के साथ उन्होंने जो हल की वो आपके सामने। आज माजर आवाम की तरफ से मैं सवाल करना चाह रहा हूँ, आपने क्या किया? आपने तासुब लिसानियत को तो पूरा पाकिस्तान में बड़ा घर कर दिया। आप मुझे बताओ आपने कहा, आज आपके अखबार का हेडलाइन है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में करोड़ रुपए की खुर्द बुर्ती है, आज के अखबार का हेडलाइन है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मैं 28 साल के अंदर जो बात कचरे की बात कर रहे हैं, अली जैदी साहब, लैला परवीन साहब तस्दीक करेंगे, अली जैदी साहब ने मीडिया के सामने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो कचरा एक जगह से उठा के दूसरा ये ट्रैक्टर दिखाया पूरा, और हमारे साथ DC वेस्ट और इनका जो चेयरमैन वेस्ट है उन्होंने हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा कि हम कचरे मुंह में आपके साथ है। उसके बाद उन्होंने हमारे तो सारे यानी वर्कर जो है वो मैदान में उतर गए, इनके डिस्ट्रिक्ट वेस्ट ने पूरा मशीनरी जो है ना वो डंप कर दी। जब हमने पूछा कि भाई मशीनरी तो दो हम कहाँ से लाएंगे, हमारे पास ट्रैक्टर कहाँ से होता है सूबाई हुकूमत के पास, तो उन्होंने कहा कि ख़राब है। जब पता किया है तो करोड़ों रुपए जो है ना वो डीजल कीमत में वो खर्चा शो कर रहे हैं। ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है, मैं तो नेप्स के चेयरमैन से करूँ कि आप सर से लेके पांव तक एहतसाब में बड़े मास्टर रहे, ज़रा इनको भी देख लिया। अब आप सवाल ये कर लें कि ये कचरा ये बल्दियाती इदारे किस खेत की मूली है, इनका क्या काम है? इनका काम यही है कचरा नाले ये सारे तो काम करना। अच्छा इनसे नहीं हो सका, वफाकी हुकूमत ने पंजाब किया। आज मुर्तजा वहाब ने एतराफ़ किया कि हम कचरा नहीं उठा सके, हमारी कोताही है, आज मुर्तजा वहाब का ये स्टेटमेंट है। तो क्या अब मुर्तजा वहाब का भी एहतसाब होगा? नहीं, मैं एक चीज बताऊँ आपको, मुर्तजा वहाब को मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन मुर्तजा वहाब ऐसा नहीं कह सकते कचरा हम नाकाम रहे। अब ये जो आप 25% बता रहे ना, आप जरा बताओ अली जैदी साहब को या मेयर कब मुहिम के, आप मुझे बताओ, आप 2% बताओ। नहीं है ना, लेकिन मेरे हिसाब से 70% कचरा उठ चुका है, क्योंकि मुझे अपने हल्के का मुझे उठ चुका है। अच्छा आप ये देखो, ये कचरा ऐसी चीज़ नहीं है कि बारिश हो गई और वो फिर आदमी साहब का, ये रोज के जो रोड पे लोग कचरा फेंकते हैं वो रोज के रोज जो है ना वो डंप हो रहा है। आप जो उठा लोगे इतने ज्यादा और डलेगा, ये तो डेली बेसिस पे होता है,
लेकिन मैं ये कहूंगा कि 70% कचरा उड़ चुका है, क्योंकि अपने हल्के में ये अली खुर्शीदी साहब भी अपने हल्के से मालूम कर रहे हैं। देखो कल इसका रिजल्ट निकालेंगे क्या निकला, क्या 70% उतरा, आखिरी दिन कचरा हटा यहां से। नहीं, आखिरी दिन आप नहीं कह सकते, मैं उम्मीद रख रहा हूं 30 दिन की, नहीं 30 दिन मुकम्मल हो जाएंगे। नहीं, अब 30 दिन का मतलब ये थोड़ी है कि आज खत्म है उसके बाद नहीं उठाएंगे, बिल्कुल उठा जो के काम। अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, इनकी 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 इनके 5-4 डिस्ट्रिक्ट है, 4 डिस्ट्रिक्ट के नाइली की वजह से सिंध हुकूमत मजबूर हुई चाइना कंपनी को ठगने के लिए। अभी खान साहब के दौरे के ऊपर ही अगर रहें तो सामने ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उन्हीं का सबसे बड़ा दौरा हमारे लिए रहा कराची का, और कराची वाले उम्मीद रखते हैं। अख्तर साहब, क्या खान साहब कुछ देने के लिए आए थे, मूड में थे कुछ, जिस तरह से लैला परवीन साहब ने कहा कि अब कुछ देने नहीं आए थे, कराची को देखने आए थे, कैसा है, क्या कराची की रौनक है देखने आए थे बस? देखिए, कराची की जो आवाम है, जो उसकी ऑब्जर्वेशन है, जो आज शाम की चंद लोगों से बातचीत हुई और जो मोहल्ले के लेवल पे, इलाके के लेवल पे, वो ये पता चला कि खान साहब अभी आए, चौथा दौरा किया, मगर कुछ दे के नहीं जा रहे हैं। अब एक तो सिंध गवर्नमेंट के साथ तलखी का सिचुएशन है, एक उस तरफ से आपको इस्लामाबाद का जो लॉकडाउन या जो भी होने वाला है, मौलाना साहब की तरफ से बड़ी टेंशन है, तो वो चेहरे पे इमरान खान साहब के नजर आ रही थी। अच्छा, परेशान थे इस वजह से? देखिए सर, बात सुने ना, मुझे बोलने का मौका दीजिए, मुझे मैं ये चाहूँगा आवाम ये चाहती है कि देखें, ये सिर्फ झंडा गाड़ना कि जी पहले पीटीआई ने सफाई की, उसके बाद ये हुआ, फिर सिंध गवर्नमेंट ने 30 दिन कर दिए, 30 करोड़ रुपये भी कर दिए, खर्च कर दिए, ये इससे काम नहीं चलता। काम यह है कि सिंध गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, कोशिश करे, जो उनके महकमा जात हैं, जो उनकी डोमेन्स हैं, उस पर काम करे। टॉक शोज़ में बैठ के बड़े दबंग स्टाइल में बातें करके अवाम को बेवकूफ़ बनाया नहीं जा सकता, अवाम बाशऊर है। मैं ये हमेशा कहता हूँ, आजकल कहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन दौर है, ठीक है, ये इस तरह से लॉलीपॉप दिया नहीं जा सकता। डिलीवर करे, सिंध गवर्नमेंट डिलीवर करे, पीटीआई की गवर्नमेंट भी डिलीवर करे, जो वादे पिछली दफ़ा करके गए थे वो क्या किया उन्होंने, ग्रीन लाइन या जो भी सब चीज़ें, वो उसको कुछ करें। ट्रांसपोर्ट का हाल देख लें, पानी का हाल देख लें, K4 का हाल देख लें, कोई बात ही नहीं हुई। बाकी जो कराची का जो मैंडेट है, उसकी रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कराची की कोई भी पार्टी है, चाहे कोई भी। मैं ये नहीं चाहता, और मेरा जिस सिविल सोसाइटी में जो लोग बैठे हैं सब बाशऊर हैं, ठीक है, कोई लासानी बात नहीं करनी चाहिए। सर ने लासानी बात थोड़ी सी की है, कोई इस चीज़ को नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पठान की और सिंधी की और महाजन की बात नहीं करनी चाहिए। के खान साहब कौन सी लासानी बात की, जिस तरह का के दौरे के लिए आए वो देखे, कौन सी लासानी बात की, पहले ये तो क्लियर कर दे। और कुछ दिया नहीं उन्होंने कराची को, क्या खान साहब कराची की रोशनी देखने आए थे? एक तो थोड़ा सा मंदो खैल साहब बात, अच्छा मैं एक चीज को थोड़ा सा मैं भी क्लियर करना चाहूंगी कि कोई महाजर महाजर खेल रहा है तो कोई सिंधी सिंधी खेल रहा है, ठीक है, कोई पंजाबी पंजाबी खेल रहा है, ठीक है ना। खान साहब वाहिद पीटीआई है जो किसी आप देख लें खुद, अब आप देख लें, अगर खान साहब को आप कहें कि वो पठान है या वो पंजाबी है मियाँ वाली के, तो हमारे प्रेसिडेंट कहाँ से हैं, हमारा वजीर गवर्नर कहाँ से है, हमारे मिनिस्टर, ये वाहिद पीटीआई है जिसमें के मुख्तलिफ जमानों को अहमियत दी जाती है उनके टैलेंट या मेरिट के हिसाब से। अच्छा चलिए, ये बात हो गई। दूसरी बात, आप खान साहब के हवाले से कोई क्वेश्चन कह रहे थे, वो थोड़ा सा मैं ये कह रहा था, खान साहब कराची आए कुछ देने के मूड में नहीं थे, देखा उन्होंने कराची को, कराची नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप ये हवाला दे रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि देने के मूड में नहीं थे, देखा जाता है, मैंने ये कहा बिल्कुल, देखिए इस दफा उन्होंने 2-4 चीजें फाइनलाइज की हैं जो आप अपने पेपर पे भी देख रहे होंगे। K4 के हवाले से बिल्कुल स्ट्रिक्टली और फाइनली एक बात हो चुकी है कि वो कंप्लीट किया जाएगा। कब, अब ये कब वाली कहानी तो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी जब फाइनलाइज उसका बजट बढ़ता जा रहा है, इखराजात बढ़ते जा रहे हैं, आवाम को पानी नहीं मिल पा रहा है, ये इखराजात आपको पता है K4 के हवाले से जितना फंड देना था और जितना तय हुआ था उससे ज्यादा दिया गया सिंध गवर्नमेंट को, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने वो खा लिया, सिंध गवर्नमेंट अभी लगा तो रही है मुसलसल और खा रही है और वो बना नहीं रही है। अच्छा आप कह रहे हैं जी ग्रीन लाइन मंसूबा, बिल्कुल उसको भी कंप्लीट करना है, लेकिन आपको पता है उसमें कॉलेशन होनी है वफाक की और सिंध गवर्नमेंट की, तो सिंध गवर्नमेंट जो है ना इसमें पीछे हटी हुई है, वो उस पर एग्री करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है जी हम इस पर काम कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा फिर पानी की बात है, पानी की भी बात हुई, ट्रांसपोर्ट की भी बात हुई, जितने मसाइल हैं कराची के तमाम पे बात हुई है, और ये तय हुआ है कि हमने क्या करना है। देखिए अभी उन्होंने आज जो मीटिंग थी उसमें मकसद ये था कि कराची के मसाइल क्या हैं और उनको तरजीह बुनियादों पर किन मसाइल को हल करना है। खान साहब आगा हो गए,
کراچی کے مسائل سے آگاہ ہو جی بالکل ظاہر سی بات ہے اس طرح آگاہ نہیں ہونا آپ دیکھیں آپ کے اور میری طرح آگاہ نہیں ہونا ہوتا وہ پرائم منسٹر ہیں ان کو ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے ان کو فیکٹس اینڈ فگر چاہیے تو کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں چلتا مجھے بتایا جاتا ہے کہ میں پرائم منسٹر ہوں ملک کا اس حوالے سے بات کراچی کے حوالے سے بات کراچی کے حوالے سے میں ایک فیکٹ کی بات کر رہا ہوں ایک جنرل بات کر رہا ہوں میں دیکھیں یہاں بھی بچے والی بات ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آگاہ نہیں ہوتے پرائم منسٹر ہیں کہا کہ تم اٹھا کے کس پہ لگا دی بات یہ کہ کراچی کی بات ہو رہی ہے خوشی رضا کراچی جس طرح سے آپ نے اپنے مطالبات خان صاحب کے آگے رکھے کہ ہمارے رہنماؤں کو جو غیر قانونی طور پہ اسیر کیے گئے ہیں اور دفاتر 200 سے زائد دفاتر وہ بند کیے گئے ہیں خان صاحب کا کوئی اس پہ واضح جواب دیکھا آپ نے انہوں نے کہا کہ یقین دانی کرائی کچھ ہو سکے گا کچھ رہنما آپ کے کارکنان باہر آ جائیں گے دفاتر کھل جائیں گے دیکھیں میں نے آپ کو اپنی بات کی شروعات میں یہ بات کہی تھی کہ یہ تمام جو ہمارے پوائنٹس وہ ایم او یو میں آلریڈی اگری ہیں پرنسپلی اگریمنٹ ہے بٹوین پی ٹی آئی اینڈ ایم سی ایم پاکستان ٹھیک ہے اب اس کی پروگرس کی کیا پیش رفت ہوئی ہے کتنا کام ہوا ہے ہاں لازمی سی بات ہے بحیثیت افتیادی ہم یہ بات سمجھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ ان ایم او یو کے پوائنٹس پہ جس انداز سے پروگرس ہونی چاہیے تھی یا جتنی ہم ایم کیو ایم پاکستان ایکسپیکٹ کر رہی تھی اس انداز سے نہیں ہوئی ہے مطلب ایم کیو ایم بھی یہ بات مانتی ہے کہ خان صاحب سے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا وہ دکھائی نہیں دیا میں آپ سے یس کر رہا ہوں نہیں نہیں اس میں دو باتیں میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کچھ اور بات ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرنسپلی اس پہ اگری ہیں پی ٹی آئی اور ایم کیو کس انداز سے کام کرنا ہے لازمی سی بات ہے 18ویں ترمیم کے بعد چیزیں جو ہیں وہ ڈائریکٹلی کسی لوکل کاؤنسل کو یا کسی ایک ایریا میں نہیں آ سکتی جب تک آپ پروونشل گورنمنٹ کو آن بورڈ نہیں کریں گے تو یہ ایک پرابلم ہے رہی بات یہ جو بات ہو رہی ہے نا ٹاپک آف ڈسکشن بنا ہوا ہے کہ جی سی ایم صاحب جو ہے وہ مائنس ہے تو دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس چیز کو ریئلائز کرنا ہوگا فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے گا تب ہی کوئی ڈیلیورنس ہو ورنہ نہیں ہو پائے گا یہ پرابلم آ رہا ہے آپ کے سامنے یہ ساری صورتحال ہے کہ سوا سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود وہ ایکسپیکٹیشن لیول جو خاص طور پہ کراچی ایڈ کرتا جو لوکل عام کراچی میں رہنے والے لوگ تھے اور لازمی سی بات ہے کہ پی ٹی آئی کو انہوں نے ووٹ دیا ہے وہ سیٹیں لے کر آ گئے نا 14 سیٹیں ہیں ماشاء اللہ کی قومی اسمبلی کی تو پیپل آر ایکسپیکٹنگ مور فرام دیم بٹ ہو رہا یہ ہے کہ میں ایم کیو ایم کا ایم پی ہونے کے ناطے میں ایک بات سوچتا ہوں ایک عام پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کہ میں جتنی بھی کوششیں اور کاوشیں کر رہا ہوں اس شہر کراچی کے لیے یا اربن ڈیولپمنٹ پیکج کی بات کر لوں ان جنرل تو وہ ساری میرے اینڈ سے ہو رہی ہیں بحیثیت اتحادی دورے سے مطمئن نظر نہیں آئی کچھ باتیں آپ نے رکھی تھیں اس پہ بات کریں گے خان صاحب کے دورے کے حوالے سے اور ایم کیو ایم نے جو میٹنگ کی اپنے مطالبات دوبارہ سے سامنے رکھے خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا کہ ہم اسی چیز کے لیے اتحاد میں آئے تھے کہ ہمارے جو اسیر کارکران ہیں دفاتر ہیں وہ کھولے جائیں اسیروں کو رہا کیا جائے کوئی واضح پیغام آیا نہیں آیا اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک بات ہو رہی ہے پروگرام میں کراچی کی صورتحال کے اوپر خان صاحب نے دورہ کیا عوام ایکسپیکٹ کر رہے تھے کچھ دیں گے مگر ایز پر رول وہ کچھ دیں گے نہیں جا سکے 162 ارب روپے پہلے بھی کہا اس دفعہ بھی کچھ نہیں ملا پہلے کا بھی کچھ نہیں دیا گیا کراچی بہتر کیسے ہوگا سندھ حکومت اپنی صفائی مہم چلا رہی تھی آج اس کا آخری دن ہے اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ایک مہینے کے اندر جس طرح سے سندھ حکومت نے کہا تھا کہ ہم 75% کراچی سے کچرا اٹھا دیں گے صاف کر دیں گے کراچی چمک اٹھے گا 25% کچرا اٹھا رقم اتنی لگی ورکرز اتنے لگے مشینری اتنی استعمال ہوئی ہوا کیا کیا پھر کوئی کرپشن نظر آئی ہے اس میں ہوگا کیا کراچی صاف ہوگا عوام ایک بار پھر سے صاف ستھرے ماحول میں جی سکیں گے قادر صاحب آپ کی طرف آؤں گا کیا پیپلز پارٹی نے اپنا کام کر دیا پورا 30 دن کے اندر جس طرح سے دعویٰ کیا تھا 75% پہلے یہ بتایا کہ آپ نے کون سا تجزیے سے یہ معلوم کیا 25% چلو شکر ہے 25 مان لیے ورنہ تو آپ لوگوں سے تو امید نہیں ہوتے برستے رہتے ہو نمبر ایک بات دوسری بات یہ کہ یہ کام اگلوں کا ہے جو ہم کر رہے ہیں علی زیدی بیچ میں گھس گیا لیکن اس کا بھی کام نہیں تھا یہ ہے بلدیاتی اداروں کا اب بلدیاتی اداروں کو صرف میں اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کرو 5 ارب روپے اس کی سالانہ بجٹ ہے اور سالانہ بجٹ 5 ارب کے علاوہ اب بتاؤ صوبائی حکومت کے پاس کوئی ٹریکٹر وغیرہ نہیں کھڑے ہوتے یہ بلدیاتی اداروں کا کام ہوتا ہے اب انہوں نے اس کو بلاک کر دیے بولے مشینری خراب ہے جب ہم نے چیک کیا تو پتہ چلا کہ 1 کروڑ روپے جو ہے نا وہ ڈیزل کے مد میں خرچہ آ رہا ہے میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گا نیب کے چیئرمین سے کہ یہاں بھی سر سے پاؤں تک جو ہے نا آپ احتساب شروع کریں اب سوال یہ ہے کہ یہ سارے کام جو ہم کر رہے ہیں جو آپ لوگ نہیں مان رہے میں تو امید رکھ رہا ہوں اور اپنی حکومت سے کیونکہ ہمارا مطالبہ بھی کہ اس کو جاری رکھے کیونکہ ایم کے ایم نے کام نہیں کرنا ہے انہیں یہی کالا بازی کھانا ہے ابھی خان صاحب کے لیے بھی کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے کب جمپ مارے کسی اور کی طرف ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی حکومت آ رہی ہو تو یہ ادھر بھی جمپ مار دیں گے کوئی پتہ نہیں
سوال یہ کہ یہ ساری چیزیں آخر کب تک؟ میں سوال اٹھا رہا ہوں کہ ہر آدمی کا ایک صوبائی حکومت ہوتا ہے، ایک وفاقی حکومت ہے، ایک بلدیاتی جو سٹی گورنمنٹ ہے. اب سٹی گورنمنٹ کے بیسکلی کام کیا ہے؟ یہی ندی نالے کچرا یہ سارا کام ہے. یہ بھی اگر وہ صوبائی حکومت کے اوپر ڈال دے تو پھر صوبائی حکومت کا کیا ہو جائے؟ دوسری بات، میڈم نے ایک بات کی کہ جو گرین لائن ہے وہ صوبائی حکومت کرنے نہیں دے رہے. میں ان کی اطلاع کے لیے بات کروں کہ یہ نواز شریف صاحب کے دور میں یہ پہلے سے ایک کمپنی بنی ہے جو سیمی پرائیویٹ کمپنی ہے. اس کمپنی کے اندر گورنمنٹ آفیسر بھی ہے اور ایکسپرٹ بھی ہے. وہ لک آفٹر کرے اس کا صوبائی حکومت کیا، ایون کہ وفاق کسی بھی تعلق نہیں، صرف وفاق اس کو فنڈ دیتی ہے اور آگے جا کے پروجیکٹ وفاق کا ہے. وہ پروجیکٹ وہ نہیں صوبائی حکومت کا کام کیا ہے؟ اچھا اب دیکھو، صوبائی حکومت کا کچرا صاف کرنا کام ہے؟ صوبائی حکومت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. دیکھو آپ اگر ریالٹی دیکھ لیں، اگر آپ خام خواہ برسنے کر رہی ہے، نہیں بالکل کر رہی ہے. اس وجہ سے کر رہی ہے، دیکھیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جب یہ چاروں ڈسٹرکٹ فیل ہو گئے جہاں ایم کیو ایم کے انڈر ہے، انہوں نے باقاعدہ آپ کو یہ بھی اطلاع کے لیے بولوں کہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنا یا جو اس کو دیا چائنا کمپنی کو دیا، یہ باقاعدہ کچرا اٹھانے کا ان کو اختیار ہی نہیں دیا. وہ کہتے ہیں میرے پاس فنڈز نہیں ہیں، ہمارے پاس مشینری نہیں ہے، لیبر موجود ہے، کتنا کام کرا لیں گے. یہ جو لیلا پروین صاحبہ کے جو ایم این اے ہیں فیصل واڈا صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ 9 ارب روپے کھا گیا مہر صاحب. اس کی فاروق ستار جو پہلا اس کا کنوینر تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ 6 ارب روپے. تو الزامات ہیں، وہ تو الزامات لگ رہے ہیں نا. اس سے پہلے فاروق ستار صاحب بھی تو میرے صاحب الزامات لگا رہے تھے. حساب لگا لے، ابھی صرف ہماری مہم صوبائی حکومت کی مہم سے پہلے 50 کروڑ روپے میئر صاحب کو صوبائی حکومت دے چکی ہے کچرے کی مد میں. آپ مجھے بتاؤ، کوئی چیز کچھ نہیں، کک نہیں. تنخواہ یہ لے رہے 55 کروڑ کے مہینے کا، 55 روپے کا جھاڑو خریدنے کے لیے وہ صوبائی حکومت. اچھا وفاقی حکومت کی طرف بھی نہیں دیکھ رہے، کیونکہ آج کل اتحادی ہو سکتا ہے وہاں سے بھی کوئی چارہ وارہ مل جائے. اب سوال یہ کہ یہ کب تک؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایم کیو ایم ہاتھ اٹھا لے یہ بلتیادی اداروں سے، سب کے سب کام ہم کریں گے، صوبائی حکومت کریں گے. ایم کیو ایم سے پوچھ لیتے ہیں. علی خورشید صاحب، کیا میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ کچرا اٹھانا کس کا کام ہے، نالا صاف کرنا کس کا کام ہے؟ بہت دفعہ یہ سوالات پوچھا گیا ہے، جواب کسی کے پاس ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کے پاس واضح جواب اس کا نکلا ہو. کیا مطمئن ہیں آپ سندھ حکومت کی اس صفائی مہم کے حوالے سے؟ اور جس طرح سے ابھی قادر صاحب نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم بلدیات سے ہاتھ اٹھا لے تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے، ایسی ہے کیا؟ دیکھیں ان کی بات کا جواب میں اس طرح دوں گا، یہ جو خواب ہے نا، جی ان کا ٹارگیٹ ہی ہے بیسیکلی. 2015 میں بھی یہی ٹارگیٹ تھا، 2008 سے لے کے 13 تک ہم ان کے ساتھ اتحادی رہے تھے، اور ان کی انٹینشن کا اندازہ صرف اس بات سے لگا لیں کہ اتحادی ہونے کے باوجود بلدیاتی انتخابات نہیں کروا سکے تھے ہم پیپلز پارٹی کے طور. آن انسٹرکشن آف سپریم کورٹ ان کو مجبوراً لولی لنگڑی 30-year گورنمنٹ دینی پڑی، تو جو انہوں نے 2015 میں جا کے الیکشن کروایا. یہ ہو گئی پہلی بات. رہی بات کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی بات کی نا، تو یہ بورڈ کا چیئرمین کون ہے ذرا ان سے پوچھا جائے. اچھا آرٹیکل 140A کے بارے میں ان کو پتا ہے یا صرف یہ صرف آئے بائے شائع کرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ آرٹیکل 140A جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا ہے، وہ ایڈمنسٹریٹو فائنینشیل پولیٹیکل اتھارٹی 30-year گورنمنٹ کو ڈائیورٹ کرنا، 30-year گورنمنٹ کو دینے کی بات کرتا ہے. تو کیا پروونشل گورنمنٹ نے یہ کام کر دیا؟ صریحاً خلاف ورزی کی ہے اس آئین کی کہ جس کا بنانے کا کریڈٹ یہ ذوالفقار علی بھٹو کو دیتے ہیں. ان کی روح کانپ گئی ہوگی جب انہوں نے 2015 میں یہ لولا لنگڑا بلدیاتی نظام لا کے سامنے رکھا کیا. بنیادی بات میں پھر دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ پیپلز پارٹی کی سیاست سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کی گورننس سے اختلاف ہے، یہ کرپٹ ہیں، یہ بدعنوان ہیں. ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ یہ متعصب ہے. یہ بات کر رہے ہیں نا 5-5 کروڑ روپے ڈی سی کو دیے گئے اور صفائی مہم. بھائی آپ کا اگر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بہت اچھے طریقے سے ایفیشینٹلی کام کر رہا تھا، تو ان کو کیوں ضرورت پڑی کہ یہ صفائی مہم اسٹارٹ کرے؟ آپ کی صفائی مہم اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا سندھ علی خورشید صاحب، کیا میں یہ جان سکتا ہوں کہ اب کراچی اگر صاف کرنا ہے تو کسی مہم کے ذریعے ہی ہوگا؟ کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کراچی صاف کرنے کی؟ ڈسٹرکٹ کوئی کام نہیں کر رہا، چیئرمین کوئی کام نہیں کر رہے، کیا اب صرف صفائی مہم سے ہی کراچی صاف ہوگا؟ یہ جب فیڈرل گورنمنٹ نے صفائی مہم اسٹارٹ کی تھی اس وقت بھی ہمارا پوائنٹ آف ویو بالکل یہی تھا کہ یہ بیک لاگ تو آپ کلیئر کر لیں گے، بٹ میرے اپنے گھر کا کچرا میں ڈیلی کہاں جا کے پھینکوں؟ میرے پاس کچرا کنڈیاں اویلیبل نہیں ہے. جس کو کچرا کنڈیاں بنانی ہے اس کو فائنینشیل پاور نہیں دیے ہوئے. جس کو فائنینشیل پاور دینے ہیں وہ متعصب ہے، وہ کرپٹ ہے، وہ بدعنوان ہے، وہ پیپلز پارٹی کی 11 سالہ نا اہل حکومت ہے. ٹھیک ہے علی خورشید صاحب، آپ کی بات بالکل مانتے ہیں کہ جی ٹی ایس کہیں موجود نہیں ہے، جس کو پیسے دینے چاہیے وہ پاور نہیں رکھتا، جو پاور رکھتا ہے وہ بیچارہ مجبور ہے، کوئی کام نہیں کر پا رہا، اس کو روک دیا گیا. المیہ یہ ہے، اس کراچی شہر کا المیہ یہ ہے کہ یہ شہر کراچی پورے صوبہ سندھ کے پروونشل بجٹ کے 95% پے کرتا ہے. یہ شہر کراچی پورے سندھ کو، اگر میں دوسرے الفاظ میں یا عام الفاظ میں کہوں تو، پالتا ہے. ریٹرن میں کیا مل رہا ہے؟ 2% بھی نہیں. اور ان 2%
फीसद में जो पैसे शामिल है वो तनख्वाहों की मद में दिए गए पैसे भी शामिल है, जिसको ये बुनियाद बना के हमने इतने करोड़ दे दिए। 240 बिलियन रुपए जो है इस साल शहर कराची में सिर्फ प्रोविंशियल। ठीक है सर, मेरा वही आखिरी सवाल है आपसे अली खुर्शीद साहब, मेरा आपसे वही सवाल है, क्या आप कराची सिर्फ मुहिम से ही साफ होगा? मुहिम से साफ नहीं हो सकता कराची, ये बात हम बहुत तवातुर से कह रहे हैं, एमके पाकिस्तान ये बात बहुत तवातुर से कह रही है। इसका एक सिस्टम है, मुझे बताएं ना आप, पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत थी ना 2012-13 तक, कचरे की क्या सूरत हाल ये बुरी थी, इस तरह बुरी थी जो आज हुई हुई है, उस वक्त भी तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। ठीक है, उस वक्त भी आप थे साथ में, कर सकते थे बेहतर। बहुत शुक्रिया आपका, एमपीए एमके हमारे साथ मौजूद थे और कराची की सूरत हाल बात कर रहे थे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डीएमसी के चेयरमैन की परमिशन के बगैर नहीं हुए, नंबर वन बात। नंबर टू बात, ये जो बात कर रहे हैं कि सूबाई हुकूमत तासुब ज़दा, वो भाई मेरी बात सुनो, आप किस तासुब के, तासुब लिसानियत का बीज तो आपने किया, कराची में कत्ल गारत तो आपने किया, टारगेट किलर ये सारे तो आपने बनाए, ये तो आपकी है। और फिर दूसरी, और फिर दूसरी, फिर दूसरी बात, फिर दूसरी बात, ये आईन की आर्टिकल 141 की बात कर रहा है, किसकी कोताही नजर आ रही है, किसकी कोताही नजर आ रही है, एमक्यूएम है, पीटीआई है, पीपल्स पार्टी, किसकी कोताही है, कराची क्यों बेहतर नहीं हो रहा, क्या लग रहा है? देखिए तमाम स्टेक होल्डर, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कराची के रहने वाले या यहाँ खास तौर पे सियासतदान जो है वो कराची को ओन नहीं करते, अगर जो ओन करना चाहता है उसको ओन करने नहीं दिया जाता, वो अपने हिस्से का काम कर नहीं पाता। अभी अगर पीटीआई को मैंडेट मिला है तो इनको चाहिए था बड़ी हंगामी बुनियादों पे, चौथा विजिट था वज़ीर-ए-आज़म साहब का, कुछ ना कुछ डिलीवर करते, कोई ऐसी चीज़ करके जाते। बात यह कि सिर्फ लॉलीपॉप से और 5 साल गुजार देने से काम नहीं होगा कि जी अभी तो हम देख रहे हैं, अभी तो हम ये कर रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलता। कराची को ओन करना पड़ेगा, ये वो कराची है जो कमा के देने वाला है। कराची सबका है, हम सबका है, इसमें कोई लासानी बात नहीं है, हम सबका है, सबका बराबर हक है, किसी एक उसका हक नहीं है। कराची को ओन करें, बराबर सारी पार्टियों का किस पे है, जहां तक मैं देख रहा हूं अभी तक सिर्फ बर्बाद करने में सब बराबर का देख रहा है। एग्जांपल एक ले लें घर के फर्द की बात, मैं तो ये उन बच्चों की भी बात करूंगा, बच्चों से मुराद ये होती है अवाम। अगर अवाम, क्योंकि जो जिम्मेदार हैं, जो जिम्मेदारान होते हैं वो सियासी अहदेदारान होते हैं, वो जिम्मेदारान, और जो अवाम है उसको बच्चा समझ लीजिए। अगर बच्चे कचरा फेंक देते हैं तो जिम्मेदारान का काम है कि उनको तरबियत भी दें और साथ में कचरा भी उठाएं, वरना तो ये 25% से ऊपर जाएगा नहीं। कोई ऐसी आगाही मुहिम भी चलानी चाहिए, यहाँ तो जिम्मेदारान तो कार्रवाई चलानी चाहिए, एफआईआर कट रही है लोगों पे कचरा फेंकने पे। हमें ये नजर आता है कि बाज़ जगह कहीं गटर बंद है, कहीं दानिश्ता तौर पर बंद कर दिए जाते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। यानी जो सियासत हो रही है, सियासत का पैरामीटर डिफरेंट है, उसके टैक्टिक्स और टेक्निक्स डिफरेंट है। ताकि अगर पीटीआई को मैंडेट मिला है थोड़ा सा, तो उसको भी नाकाम बनाया जाए, कहा जाए कि नया पाकिस्तान ले लीजिए आप, नया कराची ले लीजिए। तो बात यह है कि यहाँ तो रोड़े डालने वाली, रुकावटें पैदा करने वाला सोच जब होगी, तब तक कराची को हमें ओन करना पड़ेगा, तमाम पार्टियों को अपने डोमेन में काम करना पड़ेगा, सिंध गवर्नमेंट को अपने डोमेन में काम करना पड़ेगा। देखिए मैंने 2-3 वीडियोस देखी, एक किसी घर से किसी साहब ने देखा कि सॉलिड मैनेजमेंट की गाड़ी, सिंध गवर्नमेंट की यानी कि गाड़ी, वो कचरा उठाने आई है, उससे पहले केएमसी जो सफाई करती है, डीएमसी सफाई करती है, उन्होंने वो डस्टबिन भर के रख दिए, और वो बंदा वहां से जो उठा रहा है सॉलिड सिंध गवर्नमेंट का, वो उसको गिरा रहा है, आधा खाली कर रहा है जमीन पर, और आधा जो है वो मशीन में लगा के लिफ्ट कर रहा है। अब मुझे ये बताइए कि क्या था, मतलब लापरवाही है, लापरवाही से काम रहा है। उसके बाद वीडियो बना के विजिट कर लिया, विजिट कराने के बाद देखे जी हमने तो उठा लिया, देखे डस्टबिन अंदर से खाली, ये देख रहे हैं कि काम हो रहा है, मगर लापरवाही से, लापरवाही से काम हो रहा है डीएमसी की या उस सफाई करने वाले इदारे की, लोकल गवर्नमेंट की, कि आपके स्वीपर्स ने सफाई सीखनी थी। असल में आलमिया क्या है, ये एक ये हकीकत ये है कि इस तरह से अगर किया जाएगा, सबकी जो है ना वो हल्क खुश्क होता है कि एमक्यूएम के खिलाफ एक लफ्ज, क्योंकि आगे उसको गोली नजर। ठीक है, ठीक, मैं लाला परवीन साहब कुछ ऐसा है, कुछ होगा सिंध के लिए इसमें, बात कर रहे हैं। ठीक है जी, मैं ये बात करती हूँ कि यहाँ पर वो दो मुल्लाओं के दरमियान जो मुर्गा हराम होता है ना, दो मुल्ला जो है पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, इनकी वजह से कराची, मेरा कराची, उसका सत्यानाश हो गया। एमकेएम तो आपके इत्यादी, मेरा कराची, मैं ये पहले हमारे इत्यादी नहीं थे, अभी इत्यादी बने, पहले इनके साथ भी तो इत्यादी हैं। हम ये अच्छा, इन्होंने जो माजी में गलत काम किए कि वो हमारे पल्ले पड़ेंगे क्यों, और अब जो पीपल्स पार्टी से आपके पास आते हैं, एमकेएम ने की, जो पीपल्स पार्टी ने की, वो खुद जिम्मेदार है।
ठीक है, हम जिम्मेदार नहीं है, हम तो अपने लोगों के खिलाफ भी एक्शन लेते हैं, पीटीआई अपने लोगों के खिलाफ भी एक्शन लेती है, ये सब कुछ जो हुआ है, देखिए जिम्मेदार कौन है, जो यहाँ पर वडेरा बना हुआ था, जो यहाँ पर मालिक खिलाफ एक्शन हुआ था, जो अपने बने हुए कोई है जिसके खिलाफ पीटीआई में एक्शन हुआ था, जो है, और देखिए कराची पे और कराची के वसाइल पे हक जमाने के लिए ये लोग मौजूद है, सिर्फ कराची के मसाइल जो वो आवाम के लिए छोड़ देते हैं, कराची के ये लोग जो मसाइल के नाम पर, झाड़ू के नाम पर, गटर के नाम पर जो करप्शन करते हैं, उन पैसों से ले जाके अमेरिका और लंदन में अपनी जायदादें बना के अपने बच्चों को साफ सुथरा माहौल पैदा इन्होंने पैदा करके दिया है, और हमारे जो कराची के बच्चे हैं वो कीड़ों में, अब नल का पानी, मैं आपको बताऊं, मैं खुद इसकी आई विटनेस हूं, नल के पानी में कीड़े आ रहे हैं और गटर का पानी आ रहा है, ठीक है, कौन सही करेगा, मेरा सवाल यही है कि सही कौन करेगा, जब हम इसमें कूदते हैं तो फिर कहते हैं जी वफाक कूद गई है, जब वफाक बीच में नहीं आती तो फिर कहते हैं वफाक ने लावारिस छोड़ दिया है, ना हमें करने देते हैं ना हमें पीछे हटने देते हैं, कहीं कोई ऐसा हल है कि सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम किया जा सके आपका, देखिए हम बिल्कुल सिंध हुकूमत के साथ एमकेएम के साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन हम ये जरूर इन पे इसको उनको तंबीह भी करेंगे, और ठीक है मतलब पहले साथ मिलकर काम करने वाले हैं, फिर उसके बाद अगर कोई कोताही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, हां जी कार्रवाई होगी, ठीक है ठीक है, उसके खिलाफ कार्रवाई, प्रोग्राम का वक्त बहुत कम रह गया है साहब, मैं प्रोग्राम का वक्त एक जुमला मुझे इतनी देर में कि मैडम ने सिर्फ दो पार्टीज का नाम लेके सिंध गवर्नमेंट का और लोकल गवर्नमेंट की बात खत्म कर दी, बात यह है कि आप अपना काम भी कीजिए, अभी देखिए कि सर अभी अपने नहीं देखते ना कोई अपने गृहवान में, यही तो बात है, सबसे पीपल्स पार्टी, आज आज आपकी मुहिम खत्म हो रही है, क्या दोबारा से मुहिम शुरू करेंगे आप, कराची कब तक साफ करेंगे, कुछ ऐसा मैं कह रहा हूं कि हम कराची पे जो हक जताते हैं या कराची को समझ रहे उनके रहमोकरम पे हम कराची नहीं छोड़ सकते, वफाकी हुकूमत न करे, बल्तियाती न करे, सिंध गवर्नमेंट लावारिस नहीं छोड़ेगी, जो 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 सिंध जो बल्तियाती अदारों की इससे काम है वो भी सिंध कमेंट करेगी, जो वफाक है आप खुद 25% कह रहे हैं, मैं 70% कह रहा हूं, इंशाल्लाह जब ये इन सब रुकावटों के बावजूद जब इनके जो नाजमीन है चेयरमैन है वो हमारे मना करे, खुद अली जैदी साहब को फोटो दिखाए, उसने कहा कि ठीक है वाले जो ना ट्रैक्टर जो खत्म हो रही है, आज मुहिम खत्म हो रही है, कल मुरादली शाह साहब कुछ फैक्ट देंगे इसके ऊपर, नहीं बिल्कुल आगे ये मुझे उम्मीद चलती रहेगी, ठीक है बहुत शुक्रिया आपका कादर महेंद्र खेल साहब, आपका लाला परमी साहब, आपका प्रोग्राम के लिए आप तीनों ने वक्त निकाला, खान साहब आए कराची, बहुत कुछ उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था आवाम की जानब से, मगर खासा कुछ दिखाई नहीं दिया, दूसरी जानब सिंध हुकूमत की सफाई मुहिम आज खत्म हुई है, फैक्ट कह रहे हैं कि 25%, कादर साहब कह रहे हैं कि हमने 70% साफ किया है, कब तक पूरा कराची साफ होगा, कचरे से कब तक कराची पाक होगा, आवाम कब तक इस अजियत को सहते रहेंगे, इस हवाले से अभी कोई पुरुमीद नहीं है सिंध हुकूमत, मगर कल हो सकता है कि मुराद अली शाह साहब जो हैं वो पुरुमीद हो जाएं, इसके फैक्ट देने के बाद आवाम भी शायद कुछ अच्छी उम्मीदें रखती हुई वाबस्ता करती हुई दिखाई दे सके, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, कल फिर नए मौजू के साथ हाजिर होंगे, अल्लाह हाफिज़।